शिव कुमार राणा जी एक्स मेयर चौधरी मनमोहन सिंह जी नरेंद्र सिंह जी नीरज आनंद जी जो कैप के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं स्कूल्स के प्रिंसिपल्स स्टाफ सेक्रेटरीज सीआर सीनियर सिटीजन सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स उनकी टीम माननीय पार्षदगण स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मंडल के अध्यक्ष उनकी टीम जिला के अध्यक्ष उनकी टीम और आप सब आए हुए यहां अतिथिगण महानुभाव जिनके नाम छूट गए हूं उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेयर फॉर ईयर ये जो आज का शीर्षक है उसका उद्देश्य एक ही है कि जनता की सेवा किस भाव से होनी चाहिए और जनता का विश्वास हमारी व्यवस्थाओं में बने। समझते हुए इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है और यह
चाहिए, प्लंबर अच्छा होना चाहिए, तो जो हमारा भविष्य बनाएगा, जिसपे हमारा भविष्य निर्भर करेगा, वैसी पॉलिसी जो बनाएगा, तो उसके प्रतिनिधि हमें संजीदगी के साथ आगे बढ़ते हुए चयन करना होगा। और यह बात तय है, स्ट्रांग फाउंडेशंस बिल्ड स्ट्रांग स्ट्रक्चर्स। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर किसी चीज की दिक्कत है वो है अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज की। और जम्मू कश्मीर में 1000 से ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं। अब उन व्यवस्थाओं को नीचे तक व्यवस्थित होते होते समय लगेगा, लेकिन वो हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी चीजें बदल गई हैं, लेकिन बदलाव की तरफ बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2018 में करीब करीब 8440 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पूरी यूपी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए थे 9200। और यही जब 2022 में खर्चा हुआ 10,000 करोड़ और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए 92,000। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ई टेंडरिंग नहीं होती थी। 10,000 करोड़ के काम के लिए जब चेक काटा जाता था तो 5,000 करोड़ का काम होता था और 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जब यह व्यवस्था बनी तो अब 10,000 करोड़ का काम 5,000 करोड़ में ही हुआ, लेकिन वो 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसकी री टेंडरिंग होगी। तो 20,000 करोड़ खर्च का काम हुआ 10,000 करोड़ में। तो ये डिफरेंस कैसे आया? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक लंबा सफर तय किया है। सभी लीडर्स ने जो मेरे से पहले रहे बहुत अच्छा काम किया हम सबने, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2018 में 75 वार्डों के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च होता था, 25,000 करोड़। 2022 में वो 128 करोड़ पहुंचा और अब 2023 में 167 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, नालियां बनेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, पीएचई की व्यवस्था बनेगी, ये सब इस पैसे से होना है। तो 25 करोड़ से सफलता हो गया 167 करोड़। कितना बड़ा जंप हुआ और मात्र 5 साल में। और आप ये समझिए, अगर ये कॉरपोरेशन कंटिन्यू रहती है तो हमारी व्यवस्थाएं किस कदर बदलेगी। अगर और छोटे स्तर में आपको समझाऊं, जहां पहले एक वार्ड में 10 लाख रुपया खर्च होता था क्योंकि एमएलएस का फंड ही 3 करोड़ है तो 27 वार्ड होते हैं, आज वही एक वार्ड में माननीय पार्षद ने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो कितना व्यवस्था में बदलाव आया, कहां 10 लाख, कहां 1.5 करोड़। अब इसमें यह भी समझना है कि जरूरी नहीं है पूरे वार्ड की गलियां नालियां बननी हो, लेकिन 1.5 करोड़ का काम तो वार्ड में हुआ, वो बात हमको समझने वाली है। अगर वहां हुआ है तो आगे भी हो जाएगा। यही नहीं, सिर्फ फंड्स का जो रिलीज होता था वो अगस्त के महीने में होता है,
डिपार्टमेंटों में अगस्त के महीने में होता है। कॉर्पोरेशन के सभी काम किया और यह प्रण किया कि सर इस बार हम जो रिलीज ऑफ फंड्स हैं वो हम मई के महीने में कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उन्होंने सबने मेहनत की और उनकी मेहनत का फल यह हुआ। इसी प्रकार से पॉलीथीन वाला जो हमारा कैंपेन है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको हम घर घर तक लेके जाएं। और आपने सुना किस प्रकार माननीय यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं ये पूरे देश में ऐसा कैंपेन चले और आपको खुशी होनी चाहिए कि इसको जम्मू में पहले चलाया और ये कंपोस्टेबल कैरी बैग के लिए इसी लॉन्चिंग की और आज जम्मू में ये उपलब्ध है। ये छोटी बात नहीं है, 70% हमारी ब्लॉकेज पॉलीथीन से ही होती है और अगर हम पॉलीथीन की जगह ये कंपोस्टेबल कैरी बैग यूज करें तो आप सोचिए हमारी सैनिटेशन में हमें कितना लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से मैं ये चाहता हूं कि जम्मू का नाम पूरे देश में इस प्रकार से लिया जाए कि जम्मू कश्मीर ने पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में प्रथम पहल की और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आपके सामने उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू के नागरिक हो चाहे बाकी संस्थान, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसमें पूरी दुनिया में अपना नाम किया। हाल ही में आपने देखा शीतल देवी जिसने एशियन पैरा चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल लिए और उसने पांव से ही आर्चरी की कंपटीशन में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं ये कहूंगा कि आज के समय का जो कोई अर्जुन है वो शीतल देवी है कि जिसने पांव से ही अपना कौशल बता दिया। तो हमारे पास उदाहरण है जहां लोगों ने सिर्फ प्रतिज्ञा करते हुए सफलताएं हासिल की है और वही प्रतिज्ञा मुझे आप सब में दिखती है क्योंकि जम्मू को आप ही बदल सकते हैं और उसके लिए आपने पहल कर दी है। ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू का फर्स्ट फेज हमारा खत्म हुआ जिसमें यूनिवर्सिटीज के लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, हाई स्कूल और नीचे तक हम गए। अब इसका सेकंड फेज चल रहा है और उसमें हम लेक्चर क्लासेस में जाएंगे और 2 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। 2 लाख स्टूडेंट को टारगेट करने का मतलब है कि 8 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आउटरीच करेंगे और इसमें आप सब इस कैंपेन के साथ हमारे साथ में है, जम्मू के साथ में है और ये जो कैंपेन है मात्र आपके 50 दिन के सहयोग के साथ जम्मू में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हमारे 75 वार्ड हैं, सबसे पहले हम कॉर्पोरेशन से शुरू करेंगे। 75 वार्ड हैं हमारे और 1 वार्ड में 1200-1300 वोट माननीय पार्षद लेते हैं हमारे। तो 75 वार्डों में मैक्सिमम 1 लाख वोट होता है तो आप टारगेट कर रहे हैं 10 लाख वोटों को, तो आपका मिशन कामयाब होगा ही और यह कामयाब होगा आपके सहयोग के साथ। और मुझे खुशी है यहां बैठे हुए तमाम लोग और अतिथिगण जो ऑलरेडी इस कैंपेन के साथ जुड़ चुके हैं और आप उन्होंने अपने प्रत्यक्ष स्वयं
में गुस्सा है और मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं और स्कूल के प्रिंसिपल्स, जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। और मुबारकबाद दूंगा मैं गांधीनगर कॉलेज को, जिसमें हाल ही में राष्ट्रीय पार्लियामेंट कंपटीशन में 7 पोजीशन हासिल की है। उनके लिए जोरदार तालियां लगा दीजिए। कुछ दिनों पहले मेरे पास आए स्टूडेंट्स, कहते सर बताइए कॉरपोरेशन में कैसे काम होता है और ये काम कौन कौन से नए हुए हैं। मैंने उनको जो बन पाया और बताया और वही उन्होंने वहां जाके कैरी किया, तो ऑल इंडिया लेवल पे उनकी 2nd पोजीशन आई। तो उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम सबको कैपी करनी चाहिए और सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए, वाइस चांसलर के लिए भी जोरदार कैपी कर दें, क्योंकि जम्मू शहर में पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के लिए यही वह संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर इस बदलाव की तरफ पूरे समाज को रास्ता बताने वाली है। तो मैं ये चाहूंगा जोरदार तरीके से क्लैपिंग की जाए। एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की तरफ सोचना चाहिए। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो डेमोक्रेसी में हमें हक मिले हैं, उनका लाभ समाज को तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज में पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ना हो। हमारी व्यवस्था है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है जनता सबसे ऊपर है, जनता सबसे सुप्रीम है, जो जनता कहेगी वो होगा और वो उनकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरा करवाते। तो पहला ये कि रिप्रेजेंटेटिव कैसा हो इसकी तरफ हमें ध्यान देना है, दूसरा व्यवस्था को समझना है। जो जनता है वो एक डायरेक्टिंग अथॉरिटी है, उसके विशिष्ट काम होने हैं और वो करवाएंगे उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। डायरेक्टिंग अथॉरिटीज और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में हमको भेद जानना है। और अगर किसी कानून बदलने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास जनरल हाउस होता है, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां बदला जाता है। तो जो जनता कहेगी वो हमें इंप्लीमेंट करवाना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जो डायरेक्टिंग अथॉरिटीज हैं वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज बन जाती है और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो डायरेक्टिंग अथॉरिटीज बन जाती है। उसमें समाज कमजोर होगा और समाज तभी ताकतवर बनेगा जब उनका नेतृत्व ताकतवर होगा। और ये आप इस तरीके से भी समझिए, मोदी जी सेंटर में आए, उन्होंने पीछे 3 निर्णय लिए। पहला, कोविड में वैक्सीन का निर्माण करना, देश को फायदा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समाज को भी फायदा हुआ। G20 की प्रेजिडेंसी की, देश को फायदा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समाज को भी फायदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए, समस्याओं की उन्होंने वहां चर्चा की। इसी प्रकार से जमीन से हमने की
डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्टनेस तब होती है जब आपकी कोई कंसीडरेशन नहीं हो। नेतृत्व हमें अपने वर्गों में, अपनी एसोसिएशन में, अपने पंच लेवल पर, अपने सरपंच लेवल पर, एमएलए लेवल पर, एमपी लेवल पर चाहिए। जब ऐसा नेतृत्व बनेगा तो समाज सुदृढ़ होगा, और उसी के लिए ईमानदार जम्मू, शानदार मन जम्मू का कैंपेन है, जिसमें तीन प्रतिज्ञाएं हैं हमारी। सबसे पहली, राजनीति भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि मूल जड़ जो है वो है पैसे का प्रचलन इलेक्शंस में, वहीं से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। और जब तक हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और उनमें सुधार लाने के लिए जो व्यक्ति पैसे का प्रचलन करेंगे उनका हमें समर्थन नहीं करना है, यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जात पात का समर्थन नहीं करना है। वर्किंग इज एन एटीट्यूड, जिसने काम करना होगा वो सबके लिए करेगा, और जिसने नहीं करना होगा वो कैमोफ्लेज करेगा। तीसरा, मेरा नेतृत्व जानकार होना चाहिए। उसका कारण ये है कि योर रिप्रेजेंटेटिव विल गो टू हैम विच अकाउंटी चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, इन सब लोगों से बात होगी। अगर सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी तो काम किसका नहीं होगा, जनता का नहीं होगा। अगर वो जानकार होगा तो आपका काम होगा, जनता का काम होगा। तो जो बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव है वो बने रहे और समाज का भला हो, उसके लिए हमें संवेदनशीलता के साथ सोचते हुए निर्णय लेने हैं। और मात्र कुछ दिनों के सहयोग के साथ आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और इसमें ना हमारे पैसे लगने हैं, ना हमारा कोई और इसमें बहुत बड़ा सा योगदान है। मात्र हमने 50 दिन तक एक घंटा सुबह देना है, और आपको इतनी बड़ी व्यवस्था में बदलाव नजर आएगा। और यही मोदी जी ने रेड फोर्ट से आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये दीमक है। और प्रधानमंत्री जी, जिनके पास इतनी समस्याएं हैं, उन्होंने इसी पे फोकस क्यों किया, क्योंकि वो जानते हैं समाज की भलाई तब तक नहीं हो सकती जब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। तो आप सब लोग इस अभियान के साथ जुड़ते हुए समाज के सुधार में निकल पड़े हैं, तो मैं आप सबको इसके लिए मुबारकबाद भी देता हूं, और ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान पे उतरते हुए हम काम करेंगे और समाज में ये बदलाव लाएंगे। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये प्रण, ये प्रतिज्ञा कि मुझे बदलाव लाना है, ये दो मात्र उद्देश्यों से हम बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और पावर करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ये भी चाहूंगा, आप भी अपने अपने स्तर पर इन बातों को लोगों तक लेके जाएं, और सबसे एक ही बात कहें कि हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल व्यवस्थाओं का निर्माण करना बहुत जरूरी है। और यह कोई और बदलने वाला नहीं है, हमने ही बदल ली है, और हम सब में ये क्षमताएं
करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक समय करने का यही मतलब था कि आम जनता में यह विश्वास आए कि आई एम बीइंग हर्ड, मेरी सुनवाई है। और वो कॉरपोरेशन ने करके बताया। इसलिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस विश्वास को कायम रखने के लिए सहयोग दिया और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा। यह छोटी बात नहीं है कि लोग रात को 10 बजे 11 बजे अपनी समस्याओं को लेकर आए। ये बहुत बड़ा बदलाव था समाज में, क्योंकि अब समाज अपने घर की बात छोड़कर समाज की बात कर रहा था। और ये छोटा बदलाव नहीं है कि रात के 10 बजे आना, जनाब हमारी गली बननी चाहिए, लाइट लगनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव है ये समाज में। और ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नई दिशा में कैसे बढ़ रही है, पूरा विश्वास है मुझे ये आने वाले दिनों में जो बदलाव आने वाली है उसमें समाज, खासकर जम्मू का समाज, पूरे देश को राह बताएगा। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, इसको पूरे गंभीरता के साथ आप सोचना। अमेरिका में प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां प्रेजिडेंट पहले चुने जाते हैं, उसके बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वो हर रिप्रेजेंटेटिव को कौन सा चुनते हैं, वो अगर डिप्लोमेट चुनेंगे तो ऐसा डिप्लोमेट चुनेंगे जो टॉप क्लास होगा। इंजीनियर्स को चुनेंगे, ऐसा इंजीनियर चुनेंगे जो टॉप क्लास होगा। ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको एक बार बताई जाएगी, वो उसके आगे 10 कदम चलेंगे। और अगर हमारे पास नेतृत्व ऐसा होगा तो हम तेज गति से आगे चल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक बार तुम्हें 50 बार बताना पड़ेगा तो हम 50 साल पीछे हो जाएंगे। इसको समझिए कि हमें एक बात को 50 बार बताना है कि एक बात को एक बार बताना है तो 10 कदम आगे चले। और यही हमारी तरक्की छिपी है और इसी में हमारा लोकतंत्र छिपा है और इसी में हमारी समाज की भलाई छिपी है। इसलिए शर्मा वर्मा को भूलकर समाज के प्रति संवेदनशील होते हुए हमें आगे बढ़ना है और समाज को बदलना है। और जम्मू ने हमेशा ही पूरे देश को राह बताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहां से हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहां से हुए हैं, जनसंघ के अध्यक्ष भी यहां से हुए हैं। और नया समाज और न्यू पॉलिटिकल ओरिएंटेशन वो भी दुनिया को और देश को यहीं से रोशनी की किरण नजर आएगी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती है। और वही किरण अब हम सब ने वो दिखानी है देश को। इसलिए आप सबको मैं ये धन्यवाद देता हूं कि बारिश में आप सब यहां लोग आए और मेरे को अपने विचार रखने का मौका दिया। यह सिर्फ एक ट्रेलर था, व्हाट इज ए मेयर एंड व्हाट वी कैन डू, दिस वॉज जस्ट एन ट्रेलर। और आपने देखा इंटीग्रिटी ऑफ द चेयर, डिग्निटी ऑफ द चेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो आपने देखे। तो यही सब चीजें आप सब ने आगे लेके जानी है, तभी हमारी समाज की भलाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन आंसर होंगे फ्रॉम द मीडिया, 4-5 क्वेश्चन आंसर है, प्लीज बेयर विद अस।
थैंक यू।